मैं पोस्ट ऑफिस रजिस्ट्री करने गई थी, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री करने गई थी। और जब मैं वहाँ पहुँची हूँ दो कागज़ लेके हाथ में, तो वहाँ कोई लाइन का लाइन नहीं लगी थी। महिला की लाइन अलग होती है, मैं अपने लाइन में लगी थी और पुरुष अपने लाइन में लगे थे। और जो अंदर अधिक जो भी था काउंटर पे कर्मचारी, वो बंडल लेके, जो प्राइवेट बंडल होता है उसको लेके अपना काम कर रहा था। और मैं बार बार कह रही थी कि भैया 3 बज गए हैं, मुझे लेट हो रहा है, बगल में तहसील दिवस चल रहा है, मुझको जाना है, आप प्लीज़ मेरा काम कर दीजिए। तो वो अभद्रता करने लगा। और जब मैं उसको मना कर रही हूँ कि आप ड्रेस में एक महिला के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, तो वो गाली गलौज पे उतारू हो गया और बोला कि अंदर आ तो बताती हूँ। मैं अंदर गई पोस्ट मास्टर से शिकायत करने, और जब मैं शिकायत करने जैसे ही मैं गेट से अंदर पहुंची, तो वो लोग बराबर वो मुझको गंदी गंदी गालियां देने लगे। और जब मैं उसके पास पहुंची कि आप मुझसे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, आपकी ये सभ्यता है, तो वो मुझको कह रहा था मैं दूंगा गाली, तुझे जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। यही मैटर था, मेरी उससे बहस हो रही थी। बाद में गार्ड आ गया, गार्ड आके मुझे इधर उधर से हाथ लगाने लगा, धक्का देने लगा। मैं उससे कह रही आप महिला को टच नहीं कर सकते हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं इससे कह रही हूँ कि आप मेरी रजिस्ट्री कर दीजिए, इसको गाली देने का अधिकार नहीं है, ये सरकारी कर्मचारी है, सरकारी मैनुअल में नहीं लिखा है कि आप गाली दे सकते हैं। बस हमारी और उसकी बात हो रही थी, गार्ड मुझे धक्का देने लगे। सारे कर्मचारी मामले को शांत करने के बजाय उग्र हो गए और सभी मिल के गाली गलौज करने लगे, मार इसको, निकाल इसको, खींच इसको, भगा इसको। क्या मैं कोई अनपढ़ जाहिल लड़की थी जो मुझको मार रहे थे, खींच रहे थे, निकाल रहे थे कि इसको यहाँ से भगाओ? तब मैं बार बार मैं मोबाइल पे अपने हस्बैंड को डायल कर रही थी, ना कि मैं किसी अधिवक्ता को बुला के उग्र करना चाहती थी। मैं बार बार अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी कि आप आइए जल्दी से और देखिए ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड जब फ़ोन कर रहे थे तो उस फ़ोन में रिकॉर्ड हो गया, उन्होंने कहा कि देखो गेट बंद है, मैं अंदर आना चाहता हूँ। मैंने कहा ये गेट बंद है, आप पीछे से आइए, ये लोग ने गेट बंद करके मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जब वो पीछे से अकेले आए, क्योंकि उनकी भी मंशा नहीं थी, ना ही उनको पता था कि ये लोग इस तरह की घटना घटित कर सकते हैं, मांग ये कर सकते हैं कि जो जिन लोगों ने मुझसे मारपीट, मुझे मेरे हस्बैंड को लात घूसो बट और चेयर टेबल से खींच खींच के मारा है, जिससे मुझे गंभीर चोटें आईं, उनकी गिरफ्तारी हो। और दबाव बनाने के लिए जो मुझ पे क्रॉस FIR दूसरे दिन की गई है, क्योंकि उस दिन पुलिस ने आश्वासन दिया था कि मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा और कोई भी सरकारी संपत्ति को किसी भी आदमी ने छुआ तक नहीं है। ये बताइए, यहाँ पे कचहरी आपने आज टाइप किया है, तो क्या मांग है, क्या मामला? हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में ये अंकिता श्रीवास्तव, जो हमारे जिला न्यायालय में वकालत करती हैं और बहुत ही सज्जन लेडी महिला हैं, ये किसी काम से जो है रजिस्ट्री ऑफिस में गई थी, तो पहले से ही वहाँ पर जो कर्मचारी थे इनके ऊपर क्रोधित होकर के इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया, तो इन्होंने मना किया, तो सारे कर्मचारी इकट्ठा होकर के आए, इनसे जो है बदतमीजी किया, जो एक महिला के साथ नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने भी अपना बीच बचाव किया और इनको बहुत मारा और इनके चोटें तमाम आई हैं शरीर में। मेडिकल हो गया आपका, जिसका मेडिकल हो गया है, FIR हो गया, तो क्या हुआ है? डाक कर्मचारियों ने उल्टा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। मांग ये है कि जो दबाव बनाना चाहते हैं इनके ऊपर, कि वो दबाव नहीं होना चाहिए, उन लोगों की गिरफ्तारी हो और उसमें जो है चार्जशीट लगना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है उन्हीं के दबाव में काम कर रही है। क्रॉस FIR जो है वो वापस होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि राजकुमार दुबे एक हमारे अधिवक्ता भाई हैं, लापता हैं कीटगंज से, अभी तक वो नहीं मिले हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और एक दयाशंकर यादव हैं, उनके खिलाफ BDO बहारिया जो है फर्जी मुकदमा लिखवा दिया है, उसको भी वापस किया जाना चाहिए। क्या नाम? और ये एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है पारित होना चाहिए। रणजीत यादव, वरिष्ठवाद, पूर्व वरिष्ठवाद।